लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वदा जनता की भावना ही सत्य नहीं होती। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठा पर भगवान श्री राम दरबार की चित्र अंकित है, क्योंकि हमारा मान्यता है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष धरती पर शासन किए थे। उनके राज्य में हर एक प्राणी को न्याय मिलता था। भगवान श्री राम ने सिद्ध किए थे कि जनता की भावना ही सर्वदा सत्य नहीं होती है, नीति सर्वदा सत्य होती है। जब भगवान श्री राम पिताजी के वचन का सत्य रक्षा करने के लिए जंगल गए थे तो सारे अयोध्यावासी दुखी थे। कोई नहीं चाहता था श्री राम वन में जाएं। यदि राम जन भावना का सम्मान करते हुए जंगल से वापस लौट आते तो क्या होता, सब खुश हो जाते। लेकिन भगवान श्री राम ने नीति का पालन करते हुए आदर्श स्थापना किया। राम जब जंगल में गए, दशरथ पुत्र राम बनकर गए, और जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे। 14 साल की यात्रा उनको दशरथ पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया।